गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस और उसका क्या है आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन हम करेंगे। चैप्टर जो 8 है बुक में वो करा चुका हूँ, चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस है वो चालू करेंगे। इसमें बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होती है अगर एक यहाँ पे एक दे रखा है, एक बिल्डिंग है, अगर नीचे किसी पॉइंट पर आप खड़े होके इसको अगर देखोगे, नीचे से ऊपर देख रहे हो, देखो नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल बन गया वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अगर आप इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, वही सेम है, और बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके यहाँ नीचे यहाँ पे कार खड़ी है उसको अगर आप देखोगे ऊपर से, तो इसको होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ना ऊपर से नीचे देखोगे तो ये बन गया आपका बिल्कुल, तो ये एंगल जितना होगा ये आपका उतना होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अगर 45 पे गया तो 45, ये अगर रखा है आपका 45 तो ये अलग है। जिसका मतलब दो चीज आपको ध्यान देना है, एलिवेशन में नीचे ऊपर देखते हैं और डिप्रेशन में आपको ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, दो चीजें। उसके बाद जो आपका जो एक वैल्यू आपको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, एक तो आपको क्या होती है ना, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरहर भोले, एक फॉर्मूला ये होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरहर भोले, जो आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था 8 चैप्टर में, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय क्या होता है ना बेस, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरहर भोले, तो ये क्या होता है, ये पी बाय एच जो होता है वो साइन का होता है, बी बाय एच जो होता है वो कोस का होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस हाइट नहीं है हाइपोटेनियस होता है, और ये होता है बेस बाय ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये मेरा 10 का होता है, ये पी बाय बी जो है वो 10 का होगा, ये मेरा हो गया कोस का और ये मेरा हो गया साइन का। ये तीनों चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे कॉट कॉट सेक और कोसेक का बहुत कम यूज होती है, क्योंकि जहां कोसेक आप साइन का भी यूज कर सकते हो, जहां सेक आप कोस का लगा दो, और जहां कॉट का होगा वहां 10 का लगा दो, ठीक है। और सबसे पहले ये मैं जरूर एच मीटर लिखूंगा, लेकिन मेरे जो एच है जो हाइपोटेनियस है वो मेरा एच ये वाला है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइट ये आपका क्या होता है, एक होता है वर्टिकल है, ये जो नीचे वाले जो लाइन होती है, ये जैसे यहां से यहां तक जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जो कोई बिल्डिंग है कोई खंबा खड़ा है वो आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको साइन कोस टेन का मैंने आपको वैल्यू बता दिया, अगर आपको नहीं पता है थोड़ा उसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं बेटा, जहां गैप है बिल्कुल यहां गैप है। आप एक चीज ध्यान देना, साइन कोस और टेन के लिए साइन के लिए साइन जीरो डिग्री ये जीरो होता है, साइन 30 वन बाय टू और साइन 45 वन बाय रूट टू और साइन 60 रूट थ्री बाय टू, वो भी एक फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको सिखाया था, तो रूट थ्री बाय टू और साइन 90 हो गया 1। सिर्फ एक लाइन आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर एक लाइन आपको ढंग से आ गया समझ में तो आप कर लोगे। कोस का क्या करना है, पहले आपका 1 लिखोगे फिर रूट थ्री बाय टू वन बाय रूट टू वन बाय टू जीरो, टेन का साइन बाय कोस करोगे तो टेन का अगर लिखोगे थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना, जीरो बाय समथिंग ये जीरो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, तो टेन जो 30 होता है वो वन बाय रूट थ्री, सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो होगा वो आपका 10 का होगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका हो गया रूट थ्री और ये आपका नॉट डिफाइन, ये मेरा 10 का हो गया, किसका हो गया ये 10 का। कोस का क्या होगा, ये 1 को 1 लिखोगे रूट थ्री बाय टू वन बाय रूट टू वन बाय टू एंड जीरो, तो ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको साइन का, ये मैंने बता दिया आपको 10 का। सवाल सिर्फ मैं फिगर बताऊंगा उसके बाद आप सॉल्व करोगे, अगर बुक के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप बड़े प्यार से कर सकते हो बेटा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं आएगा। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम फिगर समझाते हैं क्या दिखा ना, एक टावर स्टैंड वर्टिकली है, तो वर्टिकल मतलब सीधे खड़ी है और किसी जमीन की किसी पॉइंट से 20 मीटर दूर आप खड़े हो, इस टावर के 20 मीटर दूर खड़े हो, इसका मतलब लिखोगे लेट ए बी बी द टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एंड ओ इज द पोजिशन वेयर ए ओ इक्वल टू 20 मीटर एंड द एंगल ऑफ ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा बेटा।
जो वर्टिकली खड़ा है तो ये तो 90 डिग्री आपको होना ही होना है, लिखना चाहे आप लिख दो, नहीं तो 90 डिग्री का बना दो हो जाएगा, इसको अगर 90 डिग्री बना दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिगर में क्या हुआ, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 90, ये दे रखा है 60, निकालना हमें ये हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या निकालना है, पी दे क्या रखा है, बी, तो पी बाय बी होता है 10, तो आप 10 लगा दो और 10 का क्या लगाओगे 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे में ए ओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा हो गया एच इक्वल टू 20√3 मीटर। इतने भी आपका आंसर वो सही है, अगर रूट थ्री का वैल्यू 1.732, जैसे रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, रूट थ्री का 1.732 मल्टीप्लाई करोगे जो आया आपका हाइट ऑफ द टावर। ऐसे सेकेंड फिगर आप देखते हैं, पतंग उड़ रहा है, हाइट 75 मीटर, इसका मतलब नीचे से ऊपर तक हाइट दे रखा है और रस्सी से जुड़ा हुआ है, कहीं ढील नहीं है और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे। तो आप बताओ कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो पतंग आप उड़ाते हो, जो जहां से आप उड़ा रहे हो ना पतंग तक की दूरी, इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूस चाहिए। देखो कैसे मैं आपको बता दूं ना, यहां से यहां आप खड़े हो, ये पतंग यहां पे है, जब यहां से यहां तक जमीन तक जो ऊंचाई वो आपका 75 मीटर है, इसको जरूरत नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और पूछा क्या है, अगर ये 60 दे रखा है वो 75, ये कैसे है, तो ये मेरा P होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन होता है और ये मेरा H होता है। तो आप मुझे बताओ P बाय एच किसकी फॉर्मूला होती है, ना साइन का, तो आप P बाय एच ये वाला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले, तो आप साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 रूट 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना सॉल्व तो आप लोग कर लोगे बेटा। मेन इसकी फिगर है, अगर फिगर आपको समझ में आ गया, फिगर के ऊपर आपने लिख दिए तो बेटा सॉल्व तो आप कर लोगे बड़े प्यार से। 1.5 मीटर एक हाइट टॉल है, एक लड़का है, तो बेटा ये 30 था, ये 1.5 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 28.5, कहां से कहां तक, ए बी, तो वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, वो थोड़ी सी केयरफुली आप देख लोगे, क्योंकि ये लड़का का हाइट दे रखा है, नहीं दिया हुआ होता तो समझ जाना कि पूरा पूरा 30 है, लेकिन ये जो हाइट दे दिया तो माइनस कर दो, क्योंकि जब देखेगा वो अपने आंखों से देखेगा ना, तो यहां से यहां तक जो हाइट है उसको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि आंखें के ऊपर भी थोड़ा बहुत बच जाता है, वो ऐसे नहीं मानते तो आपको पूरे पूरे माइनस करते हैं। तो निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी, ये जो चिमनी है क्या था, वो चिमनी ये 30 डिग्री दे रखा है क्या, जो सॉरी बेटा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक मैंने कराया, आपको हाइट नहीं दे रखा है, आपको क्या, वो क्या दे रखा है आपको, ना दूरी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो कोई बात नहीं, सॉरी बेटा इसमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखा है आपको 30, ठीक है। पहले आप बड़े प्यार से ए बी निकाल दो, ए बी फाइंड आउट करो, ए बी फाइंड आउट करने के लिए ये बी पता है हमें, बी हमें गिवेन है, इसका मतलब बेस हमें गिवेन है, क्या गिवेन है बेटा, ना हमें बेस गिवेन है और हमें क्या निकालना है, ना परपेंडिकुलर, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 10√60 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 10√60, 10 का मतलब होता है पी बाय बी, तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल जाएगा ए बी निकल जाएगा, जो ए बी आएगा 1.5 जोड़ दो वो मेरा ए डी निकल जाएगा, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं ना, ये दे रखा है अगर दो पॉइंट से, ये ए बी क्या है बेटा, ना एक टावर है, अगर टावर से क्या कर रहे हो, ना दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से जब आप देखोगे इसको क्या दे रखा है, टू पॉइंट डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ए सी, ये देखो यहां से यहां तक 5 मीटर हो गया और ए से डी तक 20 मीटर है, और सब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर कोई दो एंगल जोड़ोगे 90 होगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा, पहले आप ले जाना 10 थीटा इक्वल टू एच बाय 5, एच निकल जाएगा, फिर 10 90 माइनस थीटा ले लोगे, ठीक है ना, कॉट भी लेना चाहो ले सकते हो, बी बाई एच होगा वो भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड है, तो जो आप लेना चाहो ले सकते हो, पहले आपको 10 थीटा लिया गया है ए बी बाई ए सी, तो इसमें क्या हुआ ना 10 थीटा बराबर में, फिर दूसरा कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट लोगे तो क्या होगा ना बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो ए डी बटे में ए बी, कोई इशू नहीं है, तो ए डी आपका 20 बटे में ए बी, ये 10 थीटा मल्टीप्लाई करो 10² थीटा इक्वल टू, या 10 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है, तो ए बी बाई 5 इक्वल टू 20 बाई ए बी, तो वो भी आसान है कम, ओके ये 10 थीटा दोनों आपका दोनों तरफ से इक्वल है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है,
ए बी बाई फाइव इक्वल टू 20 बाई ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप करोगे। ज्यादा इंपोर्टेंट बेटा इसकी फिगर समझना है, फिगर समझ में आ गया कर लोगे सवाल। देखिए 120 मीटर ऊंची एक टावर है, देखो ये जो है टावर ये बी सी टावर है, उसके ऊपर क्या क्या है ना, नीचे से जब इसको देखते हो 45 डिग्री, इसका मतलब बी ए सी आपका 45, यहां से यहां तक देखो यहां से यहां तक 45 है। उसके बाद एक फ्लैग स्टॉक फिक्स किया गया है यहां से छत के ऊपर, आप कभी कभी 15 अगस्त आता है 26 जनवरी आपने झंडा वगैरह फहराते हो तो ऊपर आपने फ्लैग लगा दिए यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है। जब नीचे से उसको अभी देखते हैं उसका टॉप को तो 60 डिग्री एंगल बनता है यहां से यहां तक, मीन बी ए डी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसका मतलब सी डी निकालना है। ये ऐसे भी डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन भी है, कोई बात नहीं मैंने आपको बता दिया। पहले आपको 45 से जब आप फाइंड आउट करेंगे ना ये बी सी बाई ए बी होगा, ये 120 है तो 120 हो जाएगा, फिर 1060 लेंगे बी डी बाई ए बी हो जाएगा ना, 1060 हो गया रूट थ्री तो रूट थ्री क्या होगा 120 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 120, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बड़े प्यार से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन से यहाँ क्या है ना नीचे का दे रखा है बेटा, कोई बात नहीं देखो ये बड़ा वाला दे रखा है 45 डिग्री, इसका मतलब बी डी भी हो गया 45 डिग्री। ये दे क्या रखा है ना, जमीन के 40 मीटर दूरी पर एक टावर है बी सी, एक टावर है, देखते हैं कौन से टावर है बी सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, जब आप यहाँ से इस टावर को देखते हो तो आपको पता लग गया टावर कहाँ से कहाँ तक है ना, बी सी हो गया मेरा, एक टावर हो गया और ये वाटर टैंक लग गया यहाँ से, यहाँ वाटर टैंक लग गया, बड़ा बिल्डिंग है तो वाटर टैंक तो बड़ा लगेगा ना, तो 10-30 लगाओगे तो बी सी बाई ए बी हो जाएगा, तो उससे मेरा बी सी निकल गया, फिर 10-45 ले लोगे बी डी बाई आपका ए बी हो गया, तो उसको फिर आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट बिल्कुल ये दाबू की बहन है, उसमें ये वाला दे रखा है, देखो फिगर क्या दे रखा है, ये वर्टिकल टावर, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा है एक टावर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये जो ओ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और उसके ऊपर एक वही फ्लैग स्टाफ है, ये हाइट 6 मीटर का है, वहां पे इसका हाइट दे रखा था, यहाँ पे इसका हाइट दे दिया है, ठीक है। तो पहले आप जो भी लेना चाहो कहोगे पहले हम 30 ले लें या 60 ले लें वो आपके ऊपर है, पहले आप 1060 ले लोगे तो आपका ए सी बटे में ए ओ हो जाएगा, फिर आप ले लोगे 1030 इक्वल टू ए बी बटे में ए ओ हो जाएगा, दोनों में कॉमन चीज मिल जाएगा, तो उसको आप क्या करोगे, देखो 1030 में आपके क्वेश्चन आया ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये रहा ओ ए इक्वल टू एच रूट थ्री, सेकेंड में भी ओ ए की आवश्यकता पड़ेगा, जहां पे ये ओ ए था बेटा देखो ओ ए, तो वहां पे आप एच रूट थ्री लगा दोगे तो आपका जो है एच की आपका हाइट आ जाएगा, तो वही तो पूछा है आपको। बिल्कुल बेटा ये देखो एक स्टेचू खड़ा है, 1.46 मीटर का स्टेचू है, और ये स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल, ये पेडस्टल है एसी, उसको एच मीटर मान लिए, फिर फ्रॉम द पॉइंट ये ज्यादा घिचपिच दे दिया, अगर ए डी सी ये आपको 45 डिग्री ये जो एंगल है ये आपको कितना है, ये 45 है और 45 डिग्री का, और ये जो पूरा बड़ा सा है ए डी बी वो आपको 60 है, तो आपको बिल्कुल ये 1 पॉइंट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आपने करे बिल्कुल सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी आपको करनी है, दोनों में फर्क नहीं है, बस रकम आपको फर्क दे दिया। 9 क्वेश्चन क्या रखा है ना, बिल्कुल ये क्वेश्चन सारे सेम टाइप का क्वेश्चन है, बार बार कर रहे हो, ये एंगल आपका 30 है और ये बड़ा जो जो 60 के लिए जो पित्तक सा रखा है, नहीं है बेटा यहां से यहां तक 60 है ए वो बी, तो मैं समझा देता हूं, तो ए बी क्या है ना, एक टावर है जिसकी ऊंचाई पता नहीं है, और ये गलत दे रखा है फिगर थोड़ा, एसी जिसको सी कर देना बेटा, क्या करोगे एसी, एसी का वीडियो हमें दे नहीं रखा है, लेकिन दे क्या रखा है ना, यहां से यहां तक का दूरी 75 मीटर क्या दे रखा है, देखो एक द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेस्ट सो दैट द एंगल एलिवेशन ऑफ इट स्टॉप, अच्छा कितना बढ़ाया जाए, यहां से यहां तक का जो हाइट था स्मॉल एच मैंने और ऊपर तक बढ़ा दिया सी तक, तो उसका जो हाइट हो गया आपका कितना है कैपिटल एच, तो पहले 1030 ले लेना फिर 1060 ले लेना, दोनों को आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है बिल्कुल फिगर को देखो आप क्या दे रखा है, सेम है, इसमें क्या दे रखा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक टावर है, ठीक है
9 मीटर दूरी पे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल, ऐसा एक फ्लैग पोल लगा हुआ है ठीक है टावर के ऊपर, फ्लैग पोल या फ्लैग स्टॉल जो भी है ये लगा हुआ है, ये बेटा टावर दे रखा है, ये फ्लैग स्टॉल लगा हुआ है। तो इधर से देखोगे 60 है, सॉरी इसकी जो बॉटम को देखोगे 30 हो रहा है, उसको टॉप को देखोगे 60 है, तो दो ट्रायंगल हो गया। थोड़ा आपको क्लियर नहीं आ रहा तो बता दूं, ये आपका टावर था ओके यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऊपर ये फ्लैग आप लगा दिया आपने, ये देखो जब आप जमीन की किसी बिंदु सीधा है वो टेढ़ा मेढ़ा मत करना, जमीन में किसी बिंदु को अगर आप देखोगे ये एंगल बनता है 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये 30 का बन गया, जो नाम है वो दे देना। फिर यहाँ से जब ऊपर वाले को देखोगे टॉप को देख रहे हो तो वो एंगल कितना बन जाएगा 60, ये आपका 60 का है, तो उसे आपको सॉल्व करना है। फिर आप आ जाओ 11, दो पुल इक्वल हाइट का है, बुक की सेम क्वेश्चन है, ये आपका एच मीटर है तो उसको एच मीटर मान लेना, ये एक्स है तो ये 80 - x, फिर आप दोनों को सॉल्व करो ठीक है बेटा। तो ये आपको सॉल्व हुआ है ना, पहले x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना एक्स क्यू ना, देखो क्या बता रहा हूँ मैं, 10 ये वाला लाइन देखो, 10 60 इक्वल टू ab/b हो तो 10 60 मतलब हो गया √3 बराबर में ab बटे में √3, ab बराबर में b हो तो bo बराबर में क्या होगा, bo मतलब इस लाइन को देखो bo, तो bo मतलब x बराबर में h/√3, h हो गया √3x। सेकंड वाले में ले लो 10 31/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इक्वेशन आ गया आपका h, देखो दोनों तरफ से h बराबर है, या जो h का जो वैल्यू √3x है यहाँ पे लगा दो तो 3x = 80 - x, तो 4x = 80x हो जाएगा आपका 20, और जो x है x की वैल्यू x की जगह पर उसको पुट कर दो। 12, दो मैन ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, एक इस तरफ खड़ा है एक इस तरफ खड़ा है, तो कर क्या रहे हैं ना, ये टावर को देख रहे हैं, तो ये 30 डिग्री का हो गया ठीक है, पहले आप इसमें आप 30 का लगा देना, फिर इस पे आप 45 का लगा देना, 45 लगाते ही CD बटे में BC हो गया, तो ये 50 है तो ये 50 हो गया, तो बड़े प्यार से आप AC निकालोगे और AB की दूरी निकालने के लिए AC + BC कर दोगे। 13 दे रखा है कि 100 मीटर ऊंची एक टावर के ऊपर से जब आप देखते हो दोनों तरफ से एंगल अब एक हो गया 30 होता है, एक 45, कहोगे सर ये 45 ये 30 नहीं होगा, कर लो बेटा क्या दिक्कत है ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, पूछा है फाइंड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा है तो आपको पता लग गया बेस चाहिए, परपेंडिकुलर दे रखा है बेस चाहिए, तो दोनों में 10 लगा दो, इसमें भी 10 लगेगा और इसमें भी 10 लगेगा ठीक है बेटा। 14 में आप लोग आ जाओ, स्ट्रेट हाईवे दे रखा है, तो यहाँ खड़े हो गए क्या कर रहे हो आप, बी और ए दे क्या रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है, पहले ये 30 डिग्री है, फिर 6 सेकंड के बाद बुक की क्वेश्चन है बेटा, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 13 ओके, तो बुक 6 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए तो एंगल हो गया 60 डिग्री, तो बताओ क्या है कितने टाइम पे वो टावर तक पहुंच जाएगा। तो पहले आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो बी क्यू, ये अगर 6 सेकंड मिल रहा है उस हिसाब से इसकी डिस्टेंस जब निकालोगे तो पता लग जाएगा, इसका जो डिस्टेंस इसका अगर आधा होगा तो ये 6 सेकंड है तो ये 3 सेकंड होगा। बुक का जो क्वेश्चन था ऐसी है, और इस क्वेश्चन में भी आपका वही है, बुक की क्वेश्चन है ये बिल्कुल, टीवी टावर है ये भी बुक का क्वेश्चन है ना, ये आपका एक टावर दे रखा है यहाँ पे आपका किसी बिंदु से देखने पर 60 डिग्री, लेकिन 20 मीटर आगे उधर चले जाते हो आप, नजदीक नहीं है, आपको कैसे पता लग गया इधर आ रहे हो या बाहर जा रहे हो, क्योंकि एंगल 60 से 30 हो रहा है तो बिल्कुल आप बाहर जा रहे हो, लिखा है ना दूर जा रहे हो, अवे 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो दूर जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पता नहीं है, ये 60 और 30, और पी क्यू क्या है ना, ये एक बैंक टीवी टावर है, ये क्या है टीवी टावर है ये पी क्यू ठीक है, उससे आप करोगे 15। मैं आपको थोड़ा सा बता दिया, 16 में आ जाओ, आपको दे रखा है ये एक बिल्डिंग है और ये दे रखा टावर है, इससे इसको देख रहे हो 30 डिग्री का हो रहा है, इससे उसको देख रहे हो 60 डिग्री का हो रहा है, तो आप देखो 10 30 लगाओगे, पहले आप जो दे रखा है उससे निकालो, 10 60 लगाओगे तो p/b मिल जाएगा, फिर 10 30 लगाओगे तो आपका बिल्डिंग मिल जाएगा, क्योंकि दोनों दे रखा है एक गिवन है तो दूसरा आपको मिल जाएगा ठीक है बेटा ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 17, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर दे रखा है, टू टावर इज 60 मीटर,
दोनों टावर है बेटा, एक एक ए बी दे रखा है, एक डी ई दे रखा है, दोनों बीच में 60 मीटर की दूरी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड, मतलब यहां से इसको देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या है ना, ये आपका ऊंची है, ये ज्यादा छोटा है, तो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। और इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर है 90 मीटर, ये आपका 90 मीटर की है वो, तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, तो फर्स्ट टावर क्या है, तो बेटा बिल्कुल आपको ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, और 10-30 लगाओगे तो आपको ये वाला पता लग जाएगा। जो ये वाला पता लग जाएगा तो क्या करोगे, अब आप देखो क्या करना है ना, जब आपको पता लग जाएगा ये आपको 60 है तो ये 60 हो गया, और जो आपको ये पता लग जाएगा तो 90 में से इसको माइनस कर दो, आपको एसी पता लग जाएगा, जो एसी है वो मेरा डी है। देखो आप पहले बीसी फाइंड आउट करोगे, क्यों बीसी फाइंड आउट करोगे, क्योंकि 10-30 का फॉर्मूला होता है 1/√3 पी बाई बी, बी दे रखा है, पी मिल गया, जो भी आपको बीसी मिलेगा, फिर आप क्या करोगे ना, ए बी जो हमारा 90 है, 90 माइनस में बीसी में जो आएगा उसको आप माइनस कर दो, वो मेरा मिल जाएगा डी और ई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये भी वही है, जब आप इससे उसको देखते हो तो 30 डिग्री, और इससे उसको देखते हो तो आपका 60 डिग्री, और ये 40 मीटर हाइट दे रखा है, तो बिल्कुल अब आसानी से निकालोगे, पहले इसके लिए 10 लगा दो और इसके लिए भी 10 लगा दो, बिल्कुल आप आ जाएगा हाइट ऑफ द चिमनी आ जाएगा। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल वैल्यूएशन टॉप ऑफ द केबल 60 डिग्री, जब आप इधर से इसको देखते हो तो 60 डिग्री है, और दूसरा क्या हो गया ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, जब आप यहाँ से इसको देखते हो 60 का एंगल बनता है, यहाँ से इसको देखते हो 45 का एंगल बनता है, ये 45 है तो ये जो एंगल मेरा हो गया 45 का हो गया, तो आप 10-45 करोगे, 7 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 है तो ये 7 होगा, फिर आप उस हिसाब से आप फाइंड आउट करोगे तो इसकी हाइट पता लग जाएगा, जब इसकी हाइट पता लग गया तो इसमें से 7 को ऐड कर दो तो आपको पता लग गया आपको सीडी। ठीक है बेटा, 20 एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बेटा टॉप ऑफ द टावर, गिवन क्या दे रखा है ना, किसी बिंदु पर इसको अगर देखते हो तो 30 डिग्री का एंगल है, तो पी क्यू एक टावर है जिसकी ऊंचाई मैंने एच मीटर मान लिया, और ये मीटर दे रखा था मीटर, जो सेंटीमीटर दे रखा होगा तो सेंटीमीटर जो है देख के कर लेकिन, अगर ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, अगर उसकी ओर जा रहे हो टुवर्ड्स की ओर, अगर आप क्यू की ओर मीनार की ओर जा रहे हो और टावर की ओर जा रहे हो तो क्या है ना, 20 मीटर के बाद आपका जो एंगल है 60 डिग्री है। देखो यहाँ खड़ा होकर आप इसको देख रहे थे, यहाँ पे डिप्रेशन, यहाँ खड़ा होकर जब इसको देखा गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से आपको दिख रहा है तो नीचे से जो आपका 60 का बन गया, तो गिवेन दे रखा है बेटा ये 20 है, इसको एक्स मान लो, इसको एच मान लो, फिर आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व बेटा नहीं कराया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ग्राउंड 60 डिग्री, मतलब एक टावर है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल अबव द फर्स्ट इट एंगल भी 30 डिग्री, क्या दे रखा है, नीचे से आप देखते हो ना तो ये जो बन जाता है वो आपका कितना बन गया 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 60, नीचे से देख रहे हो क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बेटा, ये देखो आप, फिर बाद में जब 10 मीटर ऊपर आप जाते हो वर्टिकली अबव द फर्स्ट वर्टिकली, ठीक है, ये ऊपर आप गए, यहां से जब देखे वो आपका एंगल बन गया 30 डिग्री, इट मीन्स ये 10 है तो ये आपको 10 तो पता लग गया, 10-30 में से क्या करोगे, आप पहले ये बड़े वाला ले लो, बड़े वाले में से ये आपका ये पी क्यू बट्टे में आपका बी क्यू, तो उससे आप एक इक्वेशन बनेगा, फिर 10-30 दूसरा है पी एम बाय आपका ए एम होगा, ए एम और बी क्यू दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करोगे तो आपको हाइट पता लग जाएगा। 22 क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, यहां से आप देख रहे हो, देखो डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से देख रहे हो, ठीक है ना, एक टावर से ये क्लिफ है जो कितना दे रखा है, ये देखो क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, तो ये एक टावर है उसकी टॉप और बॉटम कितना है ना, आपको दे रखा है 45 और 60, तो ये मेरा 45 हो गया क्योंकि ये छोटा वाला जो है वो 45 और जो बड़ा वाला होगा वो आपका हो गया 60, और
दे रखा है उसका हाइट कितना है 60√3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट 60√3 मीटर है, और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये टावर का हाइट पूछेगा। इसको टावर और इसको क्लिप नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि आप जब टॉप और बॉटम देख रहे हो टावर के तो टावर को देख रहे हो ऊपर से, तो ये ऊंचा होगा ना बेटा, तो ये आपका ज्यादा हाइट का है, ये कम हाइट का। 23 आप आ जाओगे, 23 एक मेन जो है शिप क्या हो रहा है ना, एक मेन ऑन द डेक ऑफ ए शिप 60 मीटर अबव द वाटर लेवल, देखो वाटर लेवल से 60 मीटर ऊपर है, ठीक है, ये वाटर लेवल यहाँ पे है 60 मीटर ऊपर वो खड़ा, ओके। और अबव दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रेस्पेक्टिवली टॉप एंड बॉटम, देखो पहले दोनों को मिला दिया, टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो नीचे से आप ऊपर देखो, यहाँ से ऊपर को देखोगे 60 का बन रहा है, और बॉटम को देख रहे हो इसको तो 30 डिग्री का है, तो ये मेरा 30 हो गया, तो ये मेरा 30 का हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द, ये यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे, ये बड़ा 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, और ये होगा h माइनस 16, तो उस हिसाब से आप करोगे, पहले इसको फाइंड आउट करो, फिर आपको ये मिल जाएगा। या पहले आप क्या करोगे ना, 10 30 लगा के पहले आप ये बेस निकाल दो, जो बेस होगा जितना ये उतना ही होगा, तो फिर ये तो मैंने बता दिया h माइनस 16 है, और ये मिल जाएगा, तो बड़े प्यार से आप फाइंड आउट कर सकते हो ये h कितना है। बिल्कुल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ द वर्टिकल टावर पी क्यू, ये पी क्यू एक टावर है, और फ्रॉम ए पॉइंट x द ग्राउंड इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, पॉइंट x है इसको देखोगे 60, और 40 मीटर ऊपर आप बढ़ रहे हो, यहाँ से हम तो 40 मीटर ऊपर बढ़ोगे, एलिवेशन 45 का हो गया, हाइट ऑफ द टावर, उसके हाइट ऑफ द टावर पूछा है यहाँ से यहाँ तक, तो सेम क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, जैसे पीछे था ये वाला भी वही सेम। सेम वही, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बुक की क्वेश्चन है, बुक टाइप की क्वेश्चन है, एरोप्लेन क्वेश्चन है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लेना। क्या दे रखा है बेटा, देखो ना यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, किसी पॉइंट से देख रहे हो तो इसका एंगल हो गया 45 डिग्री, मीन्स क्यू ए पी हो गया 45, और कितने सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया, पी से जाकर पी तक पहुँच गया, और जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है 30 डिग्री, इट मीन्स पहले ए पी क्यू ये 2500 मीटर दे रखा है, तो ये भी 2500 हो जाएगा, पी क्यू 2500 होगा, तो बड़े प्यार से ए क्यू निकल जाएगा, फिर जब ए बी सी में ये पी दे रखा है तो बी बड़े प्यार से निकल जाएगा, और जब ए सी निकलेगा, ए सी में से ए क्यू को माइनस करो सी क्यू निकल जाएगा, और इतनी डिस्टेंस पार होने में उसको 15 सेकेंड लग रहा है, तो उसकी स्पीड पूछा है, तो पहले मीटर, एक मीटर बराबर, हाँ मीटर, जितनी मीटर आएगा डिवाइड बाई 15 से करोगे वो मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा, वो आपको ध्यान देना। दोबारा बताया, पहले आप ये छोटे ट्रायंगल में से आप ये बेस निकालो ए क्यू पी बाय बी करके, फिर बड़े वाले में से पी बाय बी करके ए सी निकल जाएगा, ए सी में से ए क्यू जाएगा तो आपका सी क्यू हो जाएगा, जितना डिस्टेंस आया उसको 15 से डिवाइड कर दो, तो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन आपको आ जाएगा। ये आर एस अग्रवाल के थोड़ा हिंट्स मैंने आपको दिया बेटा, नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 26 क्वेश्चन में आपको करा दूंगा बेटा 26 से। तो आज तक जो मैंने आपको इस वीडियो में कहां तक बताया ना, ये आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 1 आर एस अग्रवाल का, वीडियो नंबर 2 मैंने आपको सेंड कर दूंगा, ओके बेटा, बाय बेटा।